आज के दिन सूरज की पहली किरण के साथ उदयपुर शहर में निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रारंभ हुआ। सुबह से ही जो वोटर्स हैं उनके अंदर खासा उत्साह देखा जा रहा था। शहर की सरकार को चुनने जा रही है आज उदयपुर शहर की जनता। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम अभी वार्ड 51 है विशाल, अभी हम वार्ड 51 में खड़े हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर दो प्रत्याशियों की सीधी टक्कर है। एक हॉट सीट उदयपुर की मानी जा रही है कांग्रेस से फतेह सिंह राठौड़, उनके सामने बीजेपी के पारस पत्थर कह सकते हैं पारस सिंघवी, जो निर्माण समिति के पिछले निकाय चुनाव बोर्ड में अध्यक्ष भी रहे हैं, उन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा था। हम यहां के कुछ वोटर्स से बात करेंगे कि क्या कुछ देखकर उन्होंने अपना वोट दिया है। सर नाम बताएं आपका। सुंदरलाल। सर शहर की सरकार को चुनने जा रहे हैं, क्या आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए आपने मतदान? बिल्कुल बेकार है, कोई शहर में निगम काम करने वाला नहीं है, सब बेकार है, सब राजनीति अखड़ है। सर क्या मूलभूत आवश्यकता है होती क्या? वोट डालने का अधिकार, इसलिए वोट डालना है और कोई लेना देना नहीं। आपका नाम बताएं सर। गणेश लाल बडोला। सर क्या देख कर आपने मतदान किया? मतदान तो करेंगे लेकिन जा रहे हैं, लेकिन जो हो रहा काम सही हो रहा है, सरकार ठीक आती है जाती है लेकिन काम अच्छा हो रहा है। शहर को सरकार में मतलब पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए आने वाले 5 साल हमारे आम आदमी के बेहतर हों उसको देखकर हम मतदान करने आते हैं। अभी आप वोट डालने जाएंगे, क्या आवश्यकताएं आप लोगों की रहती है? अभी थोड़ी असुविधा हमको महसूस हो रही है, रोड की वगैरह ही है, पानी की वगैरह थोड़ी किल्लत हो रही है, लेकिन आने वाले 2-4 महीने में मतलब सब सही काम हो जाएगा। बिल्कुल, जो रोड सिटी स्मार्ट सिटी जो उदयपुर बनी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा असुविधा जनता को सहन करनी पड़ती है। आपका नाम बताएं। सुरेश वैष्णव। क्या देख कर मतदान इस बार आप किया है? मतदान करने का तो सबको अधिकार है और करना चाहिए, और जो काम होता है उसमें समय लगता है। आदमी चाहता है कि भाई मेरे घर में जैसे ये काम हुआ है तो तुरंत फुरत हो जाए। कोई भी काम करेंगे अपन, उसमें समय लगेगा, और अभी तक जो कार्य हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। आपका नाम? अच्छा उषा है। कैसा आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। क्या देखकर मतदान दिया है, पिछले 5 साल या आने वाले 5 साल? ये आने वाले 5 साल भी अच्छे होंगे, अभी भी अच्छे हैं 5 साल। आपका नाम बताएं। मेरा नाम जुगल सेन है। क्या देखकर वोट दिया है इस बार आपने? शहर की सरकार को चुनने जा रहे हो, कैसा पार्षद आपको चाहिए, क्या आप लोगों के बीच में रहकर काम कर सके, क्या आवश्यकता है आप लोगों को? हमारे वार्ड में साफ सफाई, पानी की सुविधा सब अच्छी है, सड़क वगैरह अच्छी बन रही है, सब काम अच्छा हो रहा है, इसलिए हम हमारे आपने आपके वोट का एक उपयोग किया है। आज से 5 साल पहले भी आपने एक वोट डाला, एक पार्षद को चुना, और अब फिर से आपने एक वोट डाला और अगले 5 साल के लिए अपने एक पार्षद को चुन रही हैं। क्या उम्मीदें लगा के रखते हैं अपने आने वाले पार्षद से? क्या उम्मीदें रहती है कि आने वाले 5 साल में क्या काम कर सकते हैं? हमारे तो बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी हो, यही सही, यही हमारी सड़क है, जो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए सब, इसलिए वही हमने चुना है। आपका नाम? मेरा सभी पार्टियों के पार्षदों से निवेदन है कि चाहे वो जीते या हारे, पर कम से कम वार्ड में महीने में एक बार दौरा अवश्य करें, ताकि कोई समस्या हो तो उसका समाधान हो। बिल्कुल सही बात है। आपका नाम बताओ। प्रफुल्ल। सर मतदान कर लिया? मतदान कर लिया। क्या देखकर वोट दिया है, आने वाले 5 साल या पिछले 5 साल? पिछले 5 साल से जरा भी काम नहीं हुआ है, ना हो 1% भी काम नहीं हुआ है, और बोलने पे भी वो लोग कोई ध्यान नहीं देते पार्षद लोग। तो अब चाहते हैं कि वो ऐसा पार्षद हो जो देख के समझ के काम करे, और इस बार तो पार्षद भी कई दूसरी एरिया से आए हुए हैं, इसलिए मुश्किल लग रहा है कि पहले वालों ने नहीं किया था, इस वाले क्या काम करेंगे। सर सीधी टक्कर है इस वार्ड में, दो वरिष्ठ नेता हैं, और पारस सिंह भी जो है वो बाहर के वार्ड के हैं, यहाँ के है ही नहीं निवासी, तो वो मेरे को उम्मीद कम लग रही है कि वो यहाँ ध्यान देंगे। आपका नाम बताया सर? वीरेंद्र कुमार सेन। मैंने भी वोटिंग वोट कर लिया, और दोनों में सीधे डायरेक्ट टक्कर है, और दोनों मंझुए खिलाड़ी है, दोनों नेता है, और भारी टक्कर है दोनों में आपस में, दोनों काम करने वाले हैं। क्या लगता है आने वाले 5 साल सुनहरे होंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में से कोई भी जीते काम अच्छा होगा दोनों में से। आपने देखा किस तरह से जो वार्ड की जनता है, हमारे साथ एक बहूजी और, बहूजी नाम बताओ। मैं सर बीएल शर्मा हूँ। सर आपने आपके वोट के अधिकार का उपयोग अभी किया होगा, क्या देख कर मतदान आपने दिया है, पिछले 5 साल देखे या आने वाले 5 साल देख कर मतदान? देखो सर ये क्वेश्चन है तो बहुत टिपिकल है, और मैं किसी राजनीति के डायलॉग में इस समय नहीं जाना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल देखें देखे, मैं वर्तमान में जीता हूँ।
और मैंने उस व्यक्ति को दिया है जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आने वाले समय में अच्छा काम करेगा और एक अच्छा रिलेशन रखेगा, क्योंकि काम के साथ साथ ऐसा भी चाहिए पार्षद जो मेल मुलाकात करता रहे। बाकी कई बार क्या होता है कि आज वोट दिया अगले 5 साल बाद वापस नज़र आएगा, तो ये हमारी सोच रही है। सर, एक आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो सड़क, बिजली, पानी, जिससे उसके 5 साल आसानी से निकल जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि 5 साल आपका एक वोट लेने के बाद 5 साल तक जो शिकायतें हमें मिलती है कि पार्षद दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या देखकर आप अपने आप वोट का उपयोग करते हैं कि आने वाले 5 साल सुनहरे रहेंगे या आपके बीच में वो कैंडिडेट आ पाएगा नहीं आ पाएगा? क्या ये तो आपने जो खुद ने ऐसे पॉइंट रख दिए हैं कि वो हर व्यक्ति चाहता ही है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि भाई वो 5 साल बाद नज़र आवे। और वैसे देखा जाए तो पार्षद के ऊपर इतनी बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक पार्षद थोड़ा सा भी एक्टिव है तो आज ज़रूरी नहीं कि वो डेली आके मिले, हफ्ते में 2 बार भी आके लोगों से मिल ले, समस्याएँ महीना में 1 बार भी आए मिले, हाँ वो भी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ये 1-2 बार आके मिल ले। और ये ज़रूरी नहीं कि सबको डेली काम होता है, लेकिन क्या एक बड़ी संतुष्टि मिलती कि भाई हमारे वार्ड का पार्षद हमारे पास समय पर आया, वो दूर कर सकता है। कोई एक बार किसी की साफ़ सफाई कर दी कॉलोनी में या एरिया में साफ़ सफाई वगैरह रेगुलर हो रही है, एक बार अपनी टीम को बोल दे तो वो करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 6-6 महीने तक नहीं नज़र आवे तो वो बड़ा दुखद होता है। सर, इस वार्ड में सीधी टक्कर है 2 बड़े नेताओं के बीच में, आप काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, क्या लगता है आपको कि 19 तारीख को जो जनादेश होगा वो किसके पक्ष में जा सकता है? देखो सर, ये तो बात ऐसा है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं क्रिकेट एम्पायर हूँ नेशनल और स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर। सर, आप एम्पायर हैं तो आपका काम ही निर्णय देना है, आउट देना है या नॉट आउट देना है, तो क्या कहेंगे आप? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि जनादेश किसके साथ जाएगा। क्रिकेट एम्पायर जो डिसीजन देता है उसके सामने वो कोई भी खिलाड़ी वो अपना नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। तो इसलिए क्या है कि हमने वोट दिया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आएगा नहीं, क्योंकि दोनों जो पार्षद के पद पर खड़े हुए हैं दोनों ही समझदार हैं, दोनों ही अनुभवी हैं। अब इसके अंदर जो जनता का जिसने दिल ज़्यादा जीता है वो जीतेगा, और बाकी ये है कि इस वार्ड के अंदर दोनों अच्छे वर्कर हैं, हमारी दोनों के लिए शुभकामनाएं। भाई साहब, नाम बताओ। सत्येंद्र सिंह सिसोदिया। क्या देखकर मतदान किया है आपने, पिछले 5 साल या आने वाले 5 साल? मैंने पिछले 5 साल हमारा बोर्ड ने जो काम किया 25 साल विगत, उस बोर्ड के हिसाब से देखते हम कैंडिडेट नहीं, विकास के नाम पर काम करते हैं। विकास के नाम पर आपने मतदान? बिल्कुल। क्या लगता है हवा किस ओर चल रही है? हवा पार सिंह भी और झुंझारू और कर्मठ दोनों हैं, कर्मठ दोनों झुंझारू है, लेकिन पार सिंह जी ने बहुत काम करा है। आपका नाम बताया? मेहताब सिंह नाम है। किस ओर हवा चल रही है? तो दोनों की तरह बराबर चल रही है, दोनों की तरह बराबर हवा। एक वोट सीट है आपके वार्ड 51 की है, ये और 2 बड़े पार्टियों के बीच में मुकाबला है, दोनों कैंडिडेट दोनों सशक्त है, दोनों बराबर ही चल रहे हैं। क्या देखकर वोट दिया आपने, आने वाले 5 साल या पिछले 5 साल? नहीं, पिछले वाले से। पिछले 5 साल देख के आपको क्या, कैसा नेता चाहिए, कैसा पार्षद चाहिए जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे 24 घंटे, आपकी एक फ़ोन पे आपके साइन की समस्याएं कुछ आती है उसका निराकरण कर सके, कैसा पार्षद आपको चाहिए? हमारा तो वो काम करने वाला चाहिए, बराबर वो काम करने वाला चाहिए, बराबर आने आने जाने वाले बराबर काम होना चाहिए। आपका नाम बताएं? मेरा नाम योगेंद्र सिंह सत्तावत है। क्या वार्ड की स्थिति कहती है, हवा किस ओर चल रही है, क्योंकि एक हॉट सीट उदयपुर की मानी जा रही है? अब ये है, हवा तो जो होशियार होगा और जो काम करेगा आदमी देख के और जो अच्छा होगा उसी को वोट देंगे, और जो मतलब पहले 5 साल में जो काम नहीं हुए वो काम इन 5 साल में करेंगे तो आगे भी 5 साल अच्छी तरह से गुजरेंगे, यही हमारी उम्मीद है। सर, उदयपुर की एक हॉट सीट है आपका वार्ड 51, पारस जी सिंघवी जो बीजेपी के निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके सामने फतेह सिंह राठौर जिनका पर्टिकुलर इस क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व है। तो है, लेकिन क्या है कि हम ये है कि ये जो है अपने क्या नाम पारस सिंघवी, वही मतलब क्या है कि वो अच्छा काम, हमारे को ये उम्मीद है कि वो अच्छा काम कर सकते हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे, यही उम्मीद रखते हैं।
धन्यवाद। उदयपुर शहर का वार्ड 51 जो कि हॉट सीट है, उदयपुर शहर की हॉट सीट मानी जा रही है, दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में यहां पर सीधा मुकाबला है। पारस सिंघवी जो बीजेपी के पारस पत्थर कहे जाते हैं, निर्माण समिति के पिछले बोर्ड में अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके सामने फतेह सिंह राठौड़ जिनका पर्टिकुलर इस एरिया में अच्छा वर्चस्व है, एक बार यहां से पार्षद पद के लिए लड़े भी थे और जीते भी थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस निकाय चुनाव में वार्ड 51 में किसकी ताजपोशी होती है, यह तो 19 तारीख को जनादेश ही बताएगा। अभी इजाजत दीजिए कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी को उदयपुर न्यूज के लिए, और आपको किसी अन्य वार्ड में ले चलेंगे और पूरे दिन आपको अवगत कराते रहेंगे क्या रुझान आ रहे हैं, किस पार्टी की ओर हवा चल रही है और किसकी होगी ताजपोशी, क्या चाहती है आम जनता। नमस्कार।